पार्टी के मैन थे, मादक सरकार आ रही है, निर्भय सर थे और बताम साथ में थे और जो है सर्वे थे, दो पीछे साथी साथी गाय है रही। हाँ, ये आपके साथी भी हमारे साथ गए थे, इनके साथ एक और साथ सबसे पहले हम सभी लोगों के बारे में विस्तृत रूप से जाना गया। सबसे पहले हम सभी लोगों के बारे में विस्तृत रूप से जाना गया। डायरी में ही बातचीत शुरू हो गई कि आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका ये आंदोलन संगठित है, आप कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे, ये सभी हम लोगों से पूछा गया। आप लोगों ने साफ साफ जवाब दिया कि जब से पेपर आउट हुआ है तब से लगातार बच्चे परेशान हैं, हम सभी लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो फिर उनकी तरफ से हुआ कि भाई कब तक आएंगे, हमने कहा जब तक बच्चों को आना होगा तब तक आएंगे और हम एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह उनके साथ हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम लोग भर्ती बोर्ड पहुंचे तो वहां पर 7 चेयर लगी थी और वहां पर हम सभी लोगों को बिठाया गया और दो तीन चार IPS स्तर के अधिकारी थे सर वहाँ पे, DIG स्तर के अधिकारी थे, एक मैम थी, वो सभी लोग हमसे लगातार बातचीत किए और उन्होंने कहा कि हम भर्ती बोर्ड से आप क्या चाहते हैं, क्या आपका वो है। हम सभी लोग ने जो माधव सर ने साक्ष्य तैयार किए थे पूरे 150 पन्ने के साक्ष्य थे और उन्होंने जो पूरा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था पूरा, और एक तरफ से कहीं भी ये नहीं था कि इसमें वो हो, धांधली हो या कोई हो, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब नहीं रोक पाए, बहुत प्रयास की बात नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें दो नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं वहाँ पे, DIG वहाँ पे जो IPS है उनका भी नंबर दिया है, एक और नंबर दिया है AC पिंडल, उन्होंने उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो आप इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लगातार आपके कनेक्ट करेंगे, बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो, बस उन्होंने ये एक लास्ट नोट दिया, उसके अलावा उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर भी देखे हो क्या? अरे यार, IP एड्रेस से लेकर उन्होंने कहा कि देखो ये टेक्निकल काम है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, IP एड्रेस से लेकर बाकी चीजों की जांच करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, आप 1 से 2 दिन शांति बनाए रखें। उन्होंने ना ही हम लोगों से आंदोलन करने के लिए मना किया है, उन्होंने बहुत सकारात्मक रिस्पांस दिया है, साथ ही साथ मैम जो है वो प्रशासनिक मीटिंग में थी रेणुका मैम, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो सेकेंड है मतलब उसके बाद सर जो उसको संभालती भर्ती बोर्ड को अपरहा, उन मैम से हमारी मुलाकात थी, DIG सर से मुलाकात थी, उन्होंने कहा बेटा 1% भी अगर कुछ भी इसमें पाया गया तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो आपके पक्ष में निर्णय लेंगी, आप लोग बिल्कुल